हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज़ वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द लो ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर के जिसको हम मेडिकल टर्म्स के अंदर हाइपोटेंशन भी कहते हैं कि यहाँ पे जो हाइपोटेंशन लिखा है तो मेडिकल टर्म्स के अंदर लो ब्लड प्रेशर की जो कंडीशन है उसको हम हाइपोटेंशन भी कहते हैं और ये वीडियो लेक्चर में हम स्पेशली उसके कोजेस के बारे में जानेंगे कि लो ब्लड प्रेशर क्यों होता है तो लो ब्लड प्रेशर होने के जो पीछे जो रीज़न्स है उसके साइन एंड सिम्टम्स है और उसके कारण क्या क्या रिस्क वगैरह हो सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वो सभी को हम ये वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे सो लेट्स स्टार्ट इन दिस लेक्चर सो दिस एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर मिस्टर बी फॉम एम फॉम इन फार्मास्यूटिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मर द पीएचडी फ्रॉम गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात इंडिया सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सभी के सपोर्ट के कारण फार्मरऑक्स ने अपने वन लैख सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं और उसके बाद YouTube ने हमें सिल्वर बटन यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया है सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बी इन ए वन लैक फैमिली ऑफ फार्मर ऑक्स सो अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ तो सब्सक्राइब करिए चैनल एंड प्रेस करिए बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मर ऑक्स ऑफ फार्मर ऑक्स का मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है तो अगर आपके पास एंड्रॉड फ़ोन है तो गूगल प्ले स्टोर पर से एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें अगर आपके पास एप्पल आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है तो ज़रूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए एंड एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर सो so गेट द डिटेल्स इन ए डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर क्या है तो ब्लड प्रेशर जो हमारा आ, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट होता है उसका मेन प्रेशर जो है वो मेज़रमेंट किया जाता है और उसी को कहते हैं हम हमारा ब्लड प्रेशर तो ब्लड प्रेशर में दो वैल्यू होती है कि एक वैल्यू की जो हायर वैल्यू होती है उसको कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर इसको कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर की यहाँ पे देखो ये जो ब्लड प्रेशर का जो मेजरमेंट के अंदर यहाँ पे 136 लिखा है और मशीन uh, के अंदर एस वाई एस लिखा हुआ है तो उसका मतलब कि वो हायर प्रेशर मेजर कर रहा है कि कि जो आर्टरीज के अंदर है द फर्स्ट एंड हायर ऑफ द टू अ मेजर ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर द प्रेशर इन द आर्टरीज व्हेन द हार्ट बीट्स And fills them with blood. तो जब हमारा heart beats करता है and fill होता है with blood, तो उस वक्त जो pressure होता है, उसको कहा जाता है systolic pressure की जो higher values रहती है. And second number measure the diastolic pressure और the pressure in the arteries. प्रेशर तो आर्टरीज का ही मेजर होता है बट फर्स्ट कंडीशन में जब हार्ट बीट्स होते हैं एंड फील्स देम विथ ब्लड एंड सेकेंड वेन द हार्ट रेस्ट बिटवीन द बीट्स हमारे बीट्स के बीच में जब हार्ट अपना रेस्ट करता है तो उस वक्त जो प्रेशर होता है वो कहा जाता है डायस्टोलिक प्रेशर तो यूजुअली जो हेल्दी पर्सन होता है उसके अंदर हम आ, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर 120, ट्वेंटी एटी ऐसा कंसिडर करते हैं तो 120 को सिस्टोलिक और 80 की जो डायस्टोलिक कहा जाता है तो वो कोई हेल्दी पर्सन होता है तो उसका ब्लड प्रेशर वन ट्वेंटी एटी के आसपास रहता है तो प्लस और माइनस थोड़ा हो सकता है बट ये वैल्यूज़ जो है वो कांस्टेंट रहती है हर समय तो हम कहेंगे दैट इज़ ए नॉर्मल ब्लड प्रेशर बट जब कोई अलग अलग डेसिस कंडीशन में ये ब्लड प्रेशर के अंदर चेंजेस होते हैं तो उस वक्त ब्लड प्रेशर चाहे इंक्रीज़ होता है तो उसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर के कंडीशन और जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होता है तो उसको हम कहते हैं लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन तो हाई ब्लड प्रेशर के बारे में ऑलरेडी हमने आपके लिए लेक्चर बनाया हुआ है यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप हाई ब्लड प्रेशर वाला जो लेक्चर है वो डिटेल में एक्सेस कर सकेंगे तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेन वो है हाइपोटेंशन की जिसको हम कहते हैं लो ब्लड प्रेशर तो जानिए लो ब्लड प्रेशर क्या है और उसकी वैल्यू कितनी होती है तब लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है तो लो ब्लड प्रेशर के लिए जो मेडिकल टर्म है वो है हाइपोटेंशन। दैट इज ए हाइपोटेंशन इज द मेडिकल टर्म फॉर द लो ब्लड प्रेशर कि जब किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर लो होता है तो उसके लिए जो हम मेडिकल टर्म यूज़ करते हैं वो कहा जाता है हाइपोटेंसन तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि वॉट इज़ हाइपोटेंसन तो हाइपोटेंसन इट मीन्स लो ब्लड प्रेशर और वो भी कितना कि लेस देन नाइन्टी 60. तो यहाँ पे भी देख सकते हैं हम कि सिस्टोलिक इन एम एम एच जी यूनिट नाइन्टी और डायस्टोलिक में सिक्सटी तो नाइन्टी सिक्सटी से भी आपका ब्लड प्रेशर समझो कि कम है कि समझो कि मैं मेज़रमेंट करता हूँ और किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर आ रहा है एटी फाइव कि जो है उसका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जब मैं मेज़र करता हूँ तो उसकी वैल्यू मुझे मिलती है फिफ्टी सिक्स तो ये कंडीशन को मैं ये कहूँगा कि पेशेंट जो है उसको हाइपोटेंशन कहे हाइपो टेंसन तो ये हो गया तो मेडिकल टर्म बट यूजली जो हम टर्म्स uh, uh, जो यूज़ करते हैं वर्ड कि लो बीपी कि ब्लड प्रेशर बीपी जो है वो पेशेंट का काफी लो हो गया है तो ये भी एक डिसीज कंडीशन ही है कि जो काफी आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस करती है तो ब्लड प्रेशर रीडिंग एपियर एज अ टू नंबर्स इन दैट फर्स्ट दैट इज ए सिस्टोलिक एंड सेकंड दैट इज ए डायस्टोलिक तो समझो कि लेस देन नाइन्टी कि जो सिस्टोलिक है और डायस्टोलिक 60 है उससे भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम है तो ये कंडीशन को हम कहेंगे हाइपोटेंशन की कंडीशन तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि व्हाट इज हाइपोटेंशन तो लो ब्लड प्रेशर बट लो भी कौन सी वैल्यू से कम तो 90 60 से ब्लड प्रेशर लो है तो वो कहा जाएगा हाइपोटेंशन तो यही ध्यान रखें कि ये वाला जो चार्ट है 90-60 बट समझो कि मेज़र करते हैं और 85-56 आता है तो वो कहा जाएगा लो ब्लड प्रेशर कंडीशन द कंडीशन इन विच ब्लड प्रेशर बिकम्स लो ब्लड प्रेशर बिकम्स द लो एंड दैट इज़ लेस देन 90-60 तो लो ब्लड प्रेशर माइट सीम डिजायरेबल एंड फॉर सम पीपल इट कोस द नो प्रॉब्लम कि कई बार 90 60 भी ब्लड प्रेशर रहता है तो भी कई बार कोई इतने कॉम्प्लीकेशंस नहीं होते बट समझो उससे भी काफ़ी नीचे आ रहा है ब्लड प्रेशर और uh, काफ़ी टाइम तक ये कंडीशन रहती है तो आगे जाके काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होते हैं जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फॉर मैनी पीपल्स एबनॉर्मली लो ब्लड प्रेशर कैन कोज डीजीनेस एंड फेंटिंग क्या आपको डिज़ीनेस हो सकती है आपके लो ब्लड प्रेशर के कारण एज वेल एज आगे जाके फटिक भी हो सकता है थकान भी लगती है और फेंटिंग जैसा आपको होता है आपके बॉडी के अंदर तो यहाँ पे देखिए कि ये जो मेज़र हुआ है किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर की जो सिस्टोलिक है मिली मीटर मर्क्यूरी यूनिट के अंदर 89 है और डायस्टोलिक का जो आप रेडिंग देख रहे हैं वो है 56 तो ये कंडीशन कहेंगे हम हाइपोटेंशन की बिकॉज 89 भी 90 से कम ही है वैल्यू बिकॉज uh, जो नक्की किया हुआ जो मापदंड है उसके अकॉर्डिंग टू 90 सिस्टी कि जो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक उससे समझो कि लोअर वैल्यू हमें मिलती है ब्लड प्रेशर की किसी भी पेशेंट की के अंदर तो वो हम कहते हैं हाइपोटेंशन तो यहाँ पे सिस्टोलिक 89 है और डायस्टोलिक है फिफ्टी सिक्स तो ये तुरंत ही डायग्नोस होगा एज अ हाइपोटेंशन कि ये पेशेंट को हाइपोटेंशन है और दूसरे वर्ड में हम कहें तो उसको लो बीपी है तो ब्लड प्रेशर जैसे ही हम मेजर करेंगे तुरंत उसका ये डायग्नोसिस हो जाएगा कि दैट इज ए लो ब्लड प्रेशर कंडीशन। इन सीवियर केसेस लो ब्लड प्रेशर कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग लाइफ थ्रेटनिंग मतलब कि उससे आपकी जान भी जा सकती है कि काफ़ी लो हो जाता है समझो कि आपका ब्लड प्रेशर ये तो बात कर रहे हैं हम 89, 56, पर कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि जिसके अंदर 40, 30 जैसे भी कंडीशन हो जाती है कि सिस्टोलिक 40 है डायस्टोलिक 30 और उससे भी कम तो उस वक्त जो वाइटल साइंस होते हैं वो काफ़ी अफेक्ट होते हैं क्योंकि ब्लड का भी प्रॉपर प्रेशर मेंटेन रहना ज़रूरी है कि जिसके कारण वो जो है वो अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचता है स्पेशली जो हमारे मेन ऑर्गन्स है लाइक ब्रेन है हार्ट है लीवर है लंग्स है किडनी है वगैरह को कंटिन्यूसली जो ब्लड सप्लाई प्रॉपर अमाउंट में मिलना ज़रूरी है और ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन भी उसी के साथ कैरी होता है तो ब्लड और ऑक्सीजन मिलना कम हो जाता है तो अलग अलग जो ऑर्गन्स की जो एक्टिविटीज़ है उसके ऊपर अफेक्ट होती है तो प्रॉपर प्रेशर होना भी ज़रूरी है कि जो होता है हम कहते हैं कि 120, 80 एटी यार उससे थोड़ा बहुत प्लस माइनस है तो दैट वाज ओके बट काफ़ी टाइम तक ऐसा कंडीशन रहता है और सडनली काफ़ी लो हो रहा है किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर तो दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग तो ये पॉइंट आपको ख़ास समझना है और इसी के कारण ये कंडीशन को हम कभी भी लाइटली नहीं लेंगे बिकॉज इससे किसी पेशेंट की जान भी जा सकती है इट मे कॉज द डेथ ऑफ दैट पर्सन तो ये है उसका मेन रिस्क मेन रिस्क एज वेल एज लो ब्लड प्रेशर के कारण काफ़ी अलग अलग ऑर्गन्स अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते और जिसके कारण उनकी जो आ, काम करने की जो एबिलिटी होती है अलग अलग ऑर्गन्स की उसके ऊपर भी अफेक्ट होता है और बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं तो यहाँ पे देखिए जो सेवियर केसेस लो ब्लड प्रेशर कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग ये इसीलिए कि आप देखो यहाँ पे कुछ सिग्नल्स दिए हैं कि रेड साइन कि जो सिग्नल है रेड साइन उसका मतलब है दैट इज़ ए वेरी डेंजरस कंडीशन और उस वक्त पेशेंट का जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है पचास और डायस्टोलिक हो जाता है थर्टी थ्री के आसपास तो ये काफ़ी लो ब्लड प्रेशर कहेंगे कि वेरी लो ब्लड प्रेशर कहेंगे नॉर्मल लो भी नहीं वेरी लो ब्लड प्रेशर तो ये डेंजरस इसलिए यह कम्प्लीटली रेड है ऑरेंज में देखें तो टू लो ब्लड प्रेशर दैट इज सिक्सटी फोर्टी सिक्सटी सिक्सटोलिक एंड फोर्टी डाइस्टोलिक है फिर लो ब्लड प्रेशर दैट इज नाइन्टी सिक्सटी ये येलो रेमी रह रहेगा बट जो ग्रीन जो हम कहते हैं कंप्लीट नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा कि वो 120 80 तो अब समझिए जो हाइपोटेंशन जो हम कहते हैं कि हाइपोटेंशन तो 90 60 जो है उससे भी नीचे जा रहा है ब्लड प्रेशर और वो कंटिन्यूसली पेशन का ब्लड प्रेशर 90 60 के नीचे रहता है तो फिर वो टू लो ब्लड प्रेशर या फिर डेंजरस कंडीशन में भी आगे जाके जा सकता है और ब्लड प्रेशर रीडिंग लोअर देन 90 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी फॉर द टॉप नंबर दैट इज सिस्टोलिक और 60 एम एम एच जी फॉर द बॉटम नंबर इज़ जनरली कंसिडर एज अ लो ब्लड प्रेशर कि जिसको हम uh, लिखने में मेडिकली इस तरह से लिखे थे हम नाइन्टी सिक्सटी और नाइन्टी सिक्सटी से भी आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी लो रहता है तो उसको हम कहेंगे हाइपोटेंशन तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है आपको और एम के लिए भी काफ़ी आई रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए तो आपको नॉर्मल ब्लड प्रेशर पता होता है प्लस हमारा जो हाइपर वाला लेक्चर था उसमें भी स्टेज वन स्टेज टू की वैल्यूज पता थी वैसे ही आपको हाइपोटेंशन के भी जो स्टैंडर्ड्स है वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए तो ये अच्छे से रिमेंबर करना है 90 60 वाली वैल्यू आपको याद रखनी है तो व्हाट आर द मेन कोजिस कोजिस की जो रीज़न के कौन से अलग अलग रीजंस के कारण किसी भी पर्सन को लो ब्लड प्रेशर हो सकता है तो एक कंडीशन वो है प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के दौरान जो अलग अलग चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर उसमें से एक चेंज रहता है ये लो ब्लड प्रेशर फिर हार्ट प्रॉब्लम है किसी पर्सन को कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो उसके अंदर फ्लैक्चुएस रहते हैं और उसमें लो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है फिर एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है कि जो हॉर्मोन्स वग़ैरह सीक्रेट करती है उसके रिलेटेड प्रॉब्लम से तो भी हो सकता है डिहाइड्रेशन होता है समझो कि किसी पर्सन का डिहाइड्रेशन तो स्पेशली आप देखिए कि डिहाइड्रेशन यूजली जो हमारे गर्मियों के अंदर समर के जो सीज़न के अंदर जब टेम्परेचर हाई होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो उस वक्त बहुत सारे डिहाइड्रेशन के हमें केसेस देखने को मिलते हैं तो उसमें भी ये एक सिम्टम होता है हाइपोटेंशन का कि जब किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन होता है तो उसके अंदर उसका ब्लड प्रेशर आप चेक करो तो काफ़ी लो आपको देखने को मिलता है तो यही रीज़न है कि डिहाइड्रेशन एक कोजिज़ है फॉर द हाइपोटेंशन उसके बाद समझो कि किसी पेशेंट का ब्लड लॉस हो रहा है और इसके कारण एनेमिक कंडीशन है मतलब कि एनीमिया है किसी को तो एनेमिया के अंदर आपको ब्लड लॉस जो होता है उसी के कारण एनेमिया होता है एज वेल एज लो एच बी जब किसी का होता है लो एच बी हीमोग्लोबिन जब काफ़ी लो होता है तो उस वक्त एनेमिया कंडीशन प्रोड्यूस होती है एज वेल एज़ ब्लड लॉस के कारण भी एनेमिया होता है तो जब पर्सन एनेमिक है उसका एज भी काफ़ी लो है तो उसके सिम्टम में भी एक रहता है कि हाइपोटेंशन आपको आगे जाके हो सकता है सीवियर इन्फेक्शंस लाइक सेप्टिसमिया कि आपको किसी तरह से इन्फेक्शन हुआ है सेप्टिक हुआ है तो वो इन्फेक्शन के कारण भी ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन हो सकता है फिर एलर्जिक रिएक्शंस कि अगर आपको कोई अलग अलग टाइप की एलर्जी है कि जिसको हम कहते हैं एनाफाइलेक्सिस कि जो एनाफाइलेसिक शौक जो लगता है कई बार कि कोई सीवियर एलर्जिक रिएक्शन अचानक से कोई होती है कोई केमिकल के कारण ऐसा हो रहा है तो उसके कारण भी पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो सडनली काफ़ी डाउन होता है उसके बाद लेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन योर डाइट आपके डाइट के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं है काफ़ी वीक है आप काफ़ी न्यूट्रिशन की कमी है आपके अंदर तो उसके कारण की पेशेंट को आगे जाके हो सकता है हाइपोटेंशन तो ये है कॉजिज ऑफ हाइपोटेंशन और भी दूसरे हैं वो भी जानते हैं कि प्रोलॉन्ग बेड रेस आप काफ़ी दिनों तक बेड रेस्ट करते हैं देन लो इंटेक ऑफ सॉल्ट इन बॉडी अगर आपके बॉडी के अंदर सॉल्ट का जो इंटेक काफ़ी कम है काफ़ी कम अमाउंट में आप सॉल्ट लेते हैं तो आगे जाके हाइपोटेंशन हो सकता है न्यूट्रिशन आपका काफ़ी कम है पुअर न्यूट्रिशन है क्या प्रॉपर आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है माल न्यूट्रिशन जैसी कंडीशन है तो भी हाइपोटेंशन हो सकता है डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर सॉरी डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम इज़ द रीज़न फॉर डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर कि जिसको हम कहते हैं लो ब्लड प्रेशर की ब्लड वॉल्यूम आपका डाउन हो रहा है कि कोई ब्लड लॉस के कारण आपका ब्लड वॉल्यूम डाउन हुआ है तो आगे जाके वो हाइपोटेंशन का रीज़न बनता है और वही रीज़न को फिर हम कहते हैं कोजिस वही रीज़न्स कहे जाते हैं कोजिस के ये रीज़न के कारण आपको हाइपोटेंशन हुआ तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ तो ब्लड वॉल्यूम जब डिक्रीज होगा तो उसका प्रेशर भी कम होगा और जो ब्लड प्रेशर कम होता है वो कहा जाता है हाइपोटेंशन फिर आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो भी हो सकता है हाइपोटेंशन एंड लो हार्ट रेट अगर आपके हार्ट रेट ही स्लो है कि जिसको हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया मेडिकल टर्म में उसको हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया कि जो लॉक नॉर्मल हमारे जो हार्ट रेट होते हैं उससे आपके हार्ट रेट कम है तो हार्ट तो रेट लो हो गए तो आपका ब्लड प्रेशर भी लो होगा और दैट इज द कोज ऑफ लो ब्लड प्रेशर तो यहाँ पे कुछ चार्ट वाइज भी दिखा है कि पोटेंशियल कॉजेज ऑफ लो ब्लड प्रेशर के हार्ट फेल लिखा है प्रेगनेंसी हार्मोनल इश्यू की जो एंडोक्राइन रिलेटेड हमने बात की कुछ मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट के कारण हो सकता है हीट एग्जिस्टिंग और हीट स्ट्रॉक जो होता है कि जो हमने बात की डिहाइड्रेशन के कारण हीट स्ट्रॉक होता है सन स्ट्रॉक के कारण जो डिहाइड्रेशन हो जाता है वो एक रीज़न है ओ ड्रग्स वाइडनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स ब्लड वेसल्स जो कि काफ़ी वाइड हो जाती है तो उससे भी प्रेशर कम हो जाता है लीवर डिसीज एंड हार्ट और इथमियास कि समझो कि पहले वाइडनिंग तो पहले ब्लड वेसल इतनी थी और फिर वाइड होके समझो कि थोड़ी उसका डायमीटर मीटर बड़ा हो गया हो गया है तो जैसे आप समझो कि पाइप जब छोटी होती है तो उसका प्रेशर अच्छा होता है और वही पानी जब कोई उससे डबल डायमीटर वाली पाइप में से आप पास कराओगे तो तुरंत उसका प्रेशर डाउन होगा तो सेम यहाँ पे भी होता है कि जब आपकी ब्लड वेसल वाइड हो जाती है तो उसके कारण भी हाइपोटेंशन होता है तो ये है सभी डिटेल में कोजिस ऑफ अ हाइपोटेंशन उसके सिम्टम्स देखें तो सिम्टम्स के अंदर यहाँ पे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है कि जो ब्रेन है वहाँ पे स्पेशली अफेक्ट होता है डिजीनेस हेडेक होता है एंड फैंटिंग तो जिसको हम कहते हैं डिजीनेस और लाइट हेडेज तो स्पेशली हेड और लाइट हेड हो सकता है आपको ये खास सिम्टम है फिर नॉजिया की लो ब्लड प्रेशर के अंदर नॉजिया हो सकता है फिर आप नेक पे देखें तो स्टीफ नेक स्किन आपकी पेल हो सकती है और स्वेटिंग एंड फीवर काफ़ी स्वेट आपके बॉडी पे प्रोड्यूस होता है कि जब आपका ब्लड प्रेशर समझो कि डाउन हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में काफ़ी स्वेट मतलब कि पसीना जो है वो आ सकता है आपको फिर इरेगुलर हार्ट बीट शॉर्टनेस एंड सैलो ऑफ ब्रेथ आपके जो ब्रीथिंग है वो काफ़ी शॉर्ट हो जाएंगी सीजर्स होंगे थ्रस्ट फटीग एंड डिप्रेशन जैसा आपको फील होगा और सी ए और आपके जी आई ट्रैक पर हम देखें तो डायरिया वॉमिटिंग नोजिया वगैरह हो सकता है तो फैंटिंग जिसको हम कहते हैं सिंकोप डिहाइड्रेशन एंड अनयूजअल थ्रस्ट डिहाइड्रेशन होगा पेशेंट को एंड अनयूजल थ्रस्ट डिहाइड्रेशन कैन समटाइम्स कोस ब्लड प्रेशर टू drop however dehydration does not always cause the low blood pressure dehydration ke karan kai bar uh, hota hai blood pressure down but aisa nahi ki har bar aisa hota hai kuch bar blood pressure low nahi bhi hota but ye ek reason banta hai aapke hypertension ke liye और उसके related ये symptoms वगैरह develop होते हैं person के अंदर और दूसरे symptoms हम देखें तो पर्सन जब डिप्रेशन में होता है तो प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं कर पाता तो उसको हम कहते हैं लेक ऑफ कंसंट्रेशन ड्यू टू डिप्रेशन एक्सेट्रा एज वेल एज फटिक थकान रहती है आपके बॉडी के अंदर उसके कारण भी आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते विज़न जो ब्लर हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ा उसका सिम्टम है कि जब आपको ऐसा लगे कि आपकी विज़न काफ़ी ब्लर हो रही है और ये सब सिम्टम्स रहे है स्वीटिंग स्वेटिंग हो रहा है काफ़ी पसीना आ रहा है फीवर जैसा हो रहा है और इरेगुलर हार्ट बीट हो रहा है नोजिया वॉमिटिंग जैसा भी हो रहा है डिजीनेस हेडेक है और साथ में ब्लर विजन है सीजर्स जैसा हो रहा है तो वो सिम्टम्स बन जाते हैं हाइपोटेंशन के उसके अलावा कोल्ड क्लेमी एंड पेल स्किन स्किन जब आप किसी वो पर्सन की टच करोगे तो काफ़ी आपको ठंडी ठंड लगेगी मतलब कि जो स्किन का जो टेम्परेचर है समझो कि आप देखो तो जब आप उस, उसको टच करते हो वेन यू टच द स्क्रीन टच द स्किन यू फील्स लाइक कोल्ड कि आपके जो हाथ है उसको ऐसा सेंसेशन होगा कि वो एरिया काफ़ी ठंडा है कि जैसे आप कोई बर्फ़ को टच करते हैं तो कैसा लगता है कि कोल्ड लाइक आइस कि जैसे कोई आइस को हम टच करते हैं कोई ठंडी सरफेस को टच करते हैं और जैसे सेंसेशन हमें होते हैं वैसा हमें फ़ील होगा कि जब वो पर्सन को हम टच करेंगे तो ये थे उसके स्किन ऊपर के मेन सिम्टम्स उसके बाद देखें तो रैपिड सेलो ब्रीथिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम ऑफ हाइपोटेंसन उसके बाद फटिक की जो पर्सन को काफ़ी थकान होती है उसके बाद बात करें डिप्रेशन होता है सम टाइम अनकॉन्शियसनेस अनकॉन्सियसनेस और लाइफ थ्रेटनिंग जब होगा तो आगे जाके पेशेंट की रिस्क फैक्टर हम समझे तो डेथ भी हो सकती है तो अनकॉन्सियसनेस भी हो सकता है पेशेंट तो ये सब है मेन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ए हाइपोटेंशन। अब बात करें हम उसके डायग्नोसिस की तो कैसे ये डिसीज़ का डायग्नोसिस हो सकता है क्योंकि रेगुलरली तो हम ब्लड प्रेशर चेक नहीं करवाते बट जो साइन एंड सिम्टम्स पर से आपको अंदाज़ा आ सकता है कि आपको हाइपोटेंशन जैसा है और आप समझो कि रेगुलर आपका ब्लड प्रेशर वग़ैरह चेकअप करवाते हैं तो उससे भी पता चलता है तो हाइपोटेंशन का डायग्नोसिस के लिए स्पेशली स्फिगमो मैनोमीटर यूज़ होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूज़ ऑफ़ स्फिगमो मैनोमीटर कि ये जो ट्रेडिशनली जो यूज़ होता है वो और अभी जो लेटेस्ट के अंदर डिजिटल uh, भी अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर कि ये डिजिटल और ये आप देख सकते हैं कि जो मैन्यूल यूज़ होता है तो मैन्यूल एज वेल एज डिजिटल्स भी मार्केट में अवेलेबल है कि जो आपको ब्लड प्रेशर की वैल्यूज़ जो है वो मेज़र कर करके देते हैं कि जिससे पता चलता है कि पर्सन को हाइपर है या हाइपो तो स्पेशली ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर दोनों मेज़र किए जाते हैं बाई यूजिंग दिस ब्लड प्रेशर मेज़रमेंट इंस्ट्रूमेंट्स तो डायग्नोसिस बेस्ड ऑन द ब्लड प्रेशर मेजरमेंट ब्लड प्रेशर इज मेजरिंग द यूनिट ऑफ मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी की जिसको हम कहते हैं एम एम एस जी एंड स्पिगमो मेनोमीटर इज़ यूज फॉर ब्लड प्रेशर मेजरमेंट एंड डायग्नोसिस इज डन ऑन बेसिस ऑन ब्लड प्रेशर वैल्यू कि जो डायग्नोसिस फिर होता है ब्लड प्रेशर की वैल्यूज़ के ऊपर एंड इफ द ब्लड प्रेशर वैल्यू इज लेस देन नाइनटी सिक्सटी देन इट इज डायग्नोसिस लो ब्लड प्रेशर कि समझो कि आप स्पिग्नो से प्रॉपर आप पर्सन का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और वो आपको पता चलता है कि 90 सिक्सटी से कम है तो स्पिग्मो का आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्यूटोरियल दिस गिव्स द ब्लड प्रेशर रीडिंग यहाँ पे जो स्पिगमो का ये जो पूरा मर्क्यूरी जो लेवल है वो ऊपर की ओर जाता है फिर इनफ्लेटेबल कॉफ होता है यहाँ पे ये यह जो बांधा जाता है और स्टेथोस्कोप से जो आर्टरीज के जो बीट्स होते हैं वो सुने जाते हैं उससे पता चलता है ब्लड प्रेशर के एग्जैक्ट वैल्यू और वो रीडिंग जो हमें मिलता है रहता है उसका यूनिट मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी दैट इज़ एम एम एच जी इसके अलावा पेशेंट का जो हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो कहते हैं वो भी निकालते हैं कि जो ब्लड प्रेशर जो मेज़र करते हैं उसके अलावा एक ऑप्शन है आपके पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की जो ईसीजी कहते हैं तो ये जो ईसीजी मशीन होता है उससे आपको प्रॉपर ये ईसीजी का ग्राफ मिलता है कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो चेस्ट ऊपर लगाए जाते हैं स्पेशली और उससे जो टेक्नीसियन होता है वो आपका मेज़र करता है इवन एंकल इलेक्ट्रोड भी लगाए जाते हैं और यहाँ पे ई मशीन के अंदर आपको ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की जो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं दिस इज़ इस द सी तो उससे आपके हार्ट रेट हार्ट बीट्स के बारे में पता चलता है तो उससे भी मेज़रमेंट होता है कि आपके समझो कि हमने जो सिम्टम्स देखा कि ब्रेडिकार्डिया की जो कंडीशन होती है तो उससे भी आगे जा डायग्नोस हो सकता है कि आपको हाइपोटेंशन हो सकता है तो ड्यूरिंग दिस पेनलेस नॉन इन्वेसिव टेस्ट कि इसमें कोई पेन नहीं होता आपको दिस इज़ अ पेनलेस नॉन इन्वेसिव टेस्ट सॉफ्ट स्टिकी पैचेस के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट एंड स्टिकी पैचेस आर अटैच टू द स्किन ऑफ योर चेस्ट आर्म्स एंड लेग्स कि लेग्स है या फिर चेस्ट का पोर्सन है आपके आर्म से यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं एंड द पैच डिटेक्ट्स योर हार्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल वाइल ए मशीन रिकॉर्ड देम ऑन ग्राफ पेपर और डिस्प्ले देम ऑन ए स्क्रीन कि डायरेक्टली स्क्रीन पे भी उसकी वैल्यूज या फिर ये ग्राफ आपको देखने को मिलता है या फिर जो प्रॉपर प्रिंटेड प्रिंटेड भी इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम जो है वो निकलता है उससे भी डायग्नोसिस होता है हार्ट रेट रिलेटेड और उस पर से पता चलता है कि लो ब्लड प्रेशर आपको हो सकता है या नहीं तो अब बात करनी है हमें हाइपोटेंशन uh, के ट्रीटमेंट के बारे में तो ट्रीटमेंट के हमारे पास ऑप्शन है कि एक तो होम रेमेडी कई ऑप्शन रहता है उसके बाद मेडिसिन डाइट न्यूट्रिशन एक्सरसाइज एंड योगा तो ये हमारे पास ऑप्शन से अलग अलग हाइपोटेंशन के ट्रीटमेंट के तो होम रेमेडीज भी पॉपुलर है इसके अंदर तो डिटेल में जो हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर होगा वो होगा स्पेशली ऑन मेडिसिन फॉर लो ब्लड प्रेशर की ये वीडियो लेक्चर में हमने लो ब्लड प्रेशर के बारे में जाना और जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा कि लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कैसे करें कि जो हमने बात की कि हमारे पास होम रेमेडीज़ का भी ऑप्शन है मेडिसिन का भी ऑप्शन है तो ये सभी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे सेकंड वीडियो लेक्चर कि ये है रहेगा कि ट्रीटमेंट फॉर हाइपोटेंशन कि लो ब्लड प्रेशर के लिए कौन से मेडिसिन यूज़ करें कौन से होम रेमेडीज़ ट्राई करें कि जिससे आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में आ सकता है ये सभी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे सेकंड लेक्चर के अंदर की जो रहेगा स्पेशली ऑन मेडिसिन फॉर लो ब्लड प्रेशर सुटिल देन ज्वाइन करिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ये वाला व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो एट थ्री सिक्स फार्मारॉक्स व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर सब्सक्राइब करिए चैनल प्रेस करिए बेल आइकॉन नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स एक्सेस करिए टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल वीडियो लेक्चर ऑन या फार्मारॉक्स तो डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स एंड्रॉइड यूजर है तो गूगल प्ले स्टोर पर से ना आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं